अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी फ्राइडे रूटीन शेयर कर रही हूँ, और फ्राइडे को बनता है स्पेशल पुलाव बिरयानी, आलू का पुलाव, बीफ का पुलाव और जो है चिकन का पुलाव। तो इन शॉर्ट पुलाव या बिरयानी लाजमी ही बनती है। तो पुलाव की बहुत सिंपल रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ ऑयल गरम करा है, ऑयल में प्याज़ और खड़े गरम मसाले शामिल किए हैं, तेज पत्ता और फूल बादियान भी ले लिया था, और प्याज़ को हम गोल्डन ब्राउन होने तक जो है फ्राई कर लेंगे, और साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा, और यहाँ पर सौंफ और हरी मिर्चों का मैंने पेस्ट बना लिया है। और बहुत ही सिंपल, बहुत ही क्विक बनने वाला ये पुलाव है। और जब मैं क्लीनिंग कर रही होती हूँ तो उस टाइम पे मैं सिंपल जो है नमक और अदरक लहसुन के साथ जो है बीफ को बॉईल करने रख देती हूँ। जब तक मेरी क्लीनिंग से मैं फ्री हो जाती हूँ तब तक हमारा जो है बीफ जो है बॉईल हो जाता है। तो बस यहाँ पर अब मैंने जो है प्याज के ब्राउन होने के बाद इसमें बीफ और आलू भी शामिल कर दिए हैं, और अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर दिया है। तो यहाँ इस स्टेज पर हम थोड़ी सी भुनाई करेंगे, और फिर सौंफ और हरी मिर्चों का जो हमने पेस्ट बना के रखा था वो ऐड करेंगे। तो बहुत ही सिंपल रेसिपी है, तो इसके लिए आपने कोई यखनी वगैरह तैयार नहीं करनी है, क्योंकि भाई यखनी में जो है ना, जो हम इसमें सौंफ धनिया वगैरह लवाजमा डालते हैं ना भाई, वो ज़ाया हो जाती हैं और टाइम भी बहुत ज़्यादा जो है लगता है। तो बस फिर मैं इसी तरह से सिंपल सा जो है पुलाव बनाती हूँ, जिससे टाइम की सेविंग हो जाती है। और बस हरी मिर्चें और सौंफ ऐड करने के बाद भुनाई की है, इसमें नमक शामिल किया है, और अब थोड़ा सा पानी शामिल कर आलूओं को सॉफ्ट होने तक पका लूँगी। तो अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि बीफ के पुलाव में आलू कौन डालता है, तो भाई जिस घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, तो भाई वहाँ पर जो है आलू हर चीज़ हर रेसिपी में डालना ज़रूरी होता है, क्योंकि भाई अबुल हसन ना अभी छोटे हैं, वो इतना ज़्यादा फूड जो है हर चीज़ खाते नहीं हैं, तो आलू ज़्यादा शौक से खा लेते हैं। तो फिर मैं उनके लिए बीफ के पुलाव में भी थोड़े से आलू शामिल कर देती हूँ। और बस फिर यहाँ पर अब मैंने जो है अपने राइस के हिसाब से पानी ऐड किया है, और पानी के में जैसे ही बॉयल आया तो इसमें मैंने अपने राइस शामिल कर दिए हैं, और बस फिर अब हमने इसको जो है पानी ड्राई होने तक पकाना है, और फिर दम पे रख देना है। और जैसे कि ये है फ्राइडे की रूटीन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अबुल हसन यहाँ पर नमाज की प्रैक्टिस करने लगे हैं, क्योंकि मैंने जो है अबुल हसन को शुरू से ही आदत डाली है जुमे के दिन गुसल करवा कर जो है नमाज के कपड़े पहनाना, टोपी लगाना, और तस्बीह और जानमाज उनके हाथ में दे देना। और माशाल्लाह देखें किस तरह से जो है अबुल हसन सजदे में जा रहे हैं, नमाज की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और यहाँ पर जिन तीनों बहनें हबीबा, अरबा, नवेरा भी नमाज की अदायगी कर रही हैं, और मैं भी जो है इस टाइम पर गुसल कर आ जाऊँगी, तो फिर मैं भी नमाज की अदायगी करूँगी। तो समटाइम ऐसा होता है कि तीनों बच्चियाँ अकेले ही नमाज़ पढ़ लेती हैं, कभी ऐसा होता है कि मेरे साथ नमाज़ पढ़ लेती हैं, और कभी ऐसा होता है कि नीचे जो है दादी के पोर्शन में जाकर जो है नमाज़ पढ़ लेती हैं। लेकिन नमाज़ की अदायगी जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हमें अपने बच्चों को जो है शुरू से ही अपने दीन के अहकामात के बारे में, अरकान के बारे में बताना चाहिए, और उनको नमाज और सुन्नत का पाबंद बनाना चाहिए। और कुरान पाक तो माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चियां पढ़ ही रही हैं, और कुरान पाक बच्चियां अपनी चाची से पढ़ती हैं, और उन्होंने माशाल्लाह से बच्चियों को नमाज और तमाम दुआएं और जो है सब चीज़ें ही अच्छे से याद करवाई हैं। तो बस जी बच्चे यहां पर जो है नमाज की अदायगी कर रही थी, और मैंने यहाँ पर छोटी सी क्लिप बना ली थी अपने व्यूअर्स के लिए, और बस फिर यहाँ पर मैं भी नमाज की अदायगी कर आ गई थी। और हस्बैंड जो है नमाज जब पढ़ कर आते हैं ना, तो फिर दही लेते आते हैं, फ्रेश फ्रेश दही का जो है रायता बनाए पुलाव के साथ, हर ग्रीन चटनी के साथ, तो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो यहाँ पर रायता तैयार हो गया था, और जो है पुलाव भी हमारा रेडी हो गया था। तो बस फिर हमने यहाँ पर अपना फ्राइडे स्पेशल पुलाव इन्जॉय किया। ये था फ्राइडे का स्पेशल व्लॉग, स्पेशल रूटीन जो कि मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर की। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ऑल पे भी क्लिक कर दीजिएगा, अपना प्यारा सा कॉमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।